मयूर, अभी आपने गॉडफादर का ट्रेलर देखा, तो किस तरह से रिव्यू देना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो गॉडफादर जब नाम आता है तो जाहिर है ग्रेट मालन का, ब्रांडो और फ्रांसिस कपोला की जो ग्रेट क्राइम थ्रिलर्स हैं उनकी याद आती है। बट ये जो गॉडफादर है जो कहा जा रहा है कि ये शायद इट्स रीमेक, द तेलुगु रीमेक ऑफ मोहन लाल लूसिफर, जो कि मैंने देखी है मलयालम फिल्म, जो काफ़ी बेहतरीन फिल्म है। अब ऑब्वियसली ट्रेलर हमने देखा है और जो क्राइम स्टोरी है, प्रिंसिपल स्टोरी, वो तो शायद सेम लग रही है। लेकिन ऑब्वियसली इस गॉडफादर की खास बात यह है कि इसमें ऑब्वियसली ना सिर्फ मेगा स्टार चेतन की भी है, लेकिन एक शायद कैमियो रोल में, एक स्पेशल रोल में आपको बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, वो भी दिखाई देंगे। और ट्रेलर में भी आप देखेंगे तो उनका काफ़ी अच्छा खासा योगदान है। ट्रेलर ऑब्वियसली एक यू नो जो उसकी स्टोरी है मोर और लेस सेम है लूसिफर की तरह, लेकिन लोगों के लिए ये सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात होगी कि पहली बार पर्दे पे चिरंजीवी और सलमान खान एक साथ दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है बेसिकली इस फिल्म का जो थ्रिल है वो इन दोनों की ये जो जोड़ी है, अब इनके कितने सीन्स हैं ये तो क्या फिल्म देखने में पता चलेगा। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो जॉनर है इसके काफ़ी लॉयल फैंस हैं, चिरंजीवी के अपने एक फैंस हैं, सलमान खान के ऑब्वियसली उनके फैंस हैं। और अब देखना ये होगा कि जो सलमान खान के फैंस हैं क्या वो चिरंजीवी की फिल्म देखना चाहेंगे, एंड आई वुड से वाइस वर्सा। तो ओवरऑल यही है, लूसिफर की जो ओरिजिनल स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी है, उसे काफ़ी अच्छा बनाया था। एंड इट्स अ चैलेंज कि देखते हैं जो डायरेक्टर साहब है या फिर जो जिनका नाम राजा है कि वो किस प्रकार इस फिल्म को उन्होंने किस तरह उसे अडेप्ट किया।